हेलो एंड वेलकम टू वन सी एम एजुकेशन। तो एज अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी तो आपको पता हो हमने चैप्टर शुरू किया था हमारा बी जी सी 132 की यूनिट 1 ब्लॉक 1 की यूनिट 1 सुजीत मुखर्जी का। तो इसका ये सेकेंड पार्ट है, आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो मेक श्योर आप पहले वो जाके देखे हो तो ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। और एंड मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्वेश्चन पेपर में। मैंने बहुत बार देखा है इतने टाइम से, जितने भी बारे जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जब भी अपना क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं तो इस ये वाले चैप्टर मतलब सुजीत मुखर्जी के बहुत रिपीट होते हैं। तो ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, तो उसके चैनल से जुड़े रहो। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हो, मेक श्योर वीडियो को अच्छे से देखो विदाउट स्किप करें, क्योंकि अगर आप स्किप कर दे तो फिर आपको मेन टॉपिक रह जाता है, फिर आप वही कमेंट करके बोलते हो कि आपने ये समझाया नहीं, ये मुझे आया नहीं, क्योंकि आपने वो पॉइंट पर ही वीडियो स्किप कर दी ना। तो मेक श्योर वीडियो को अच्छे से देखो एंड आपको अच्छी लगेगी एंड कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम शुरू करते हैं हमारे यहाँ से, हम 1.4 पे थे, हमने इससे पहले वाला हमारे फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया तो वो आप उस पार्ट में जाके ज़रूर देख लेना। सो हम पढ़ते हैं द नीड फॉर अ न्यू मिथोलॉजी टू राइट इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री, ठीक है। हमें क्या नीड है इसकी कि हम अपना इंडियन लिटरेचर लिख सकें, ये मैंने आपको पहले पार्ट में समझाया था, अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। तो सुजीत मुखर्जी मेक अ स्पेशल केस फॉर devising a new methodology to write the history of Indian literature. Before we go into the details of why he wants a new approach to write Indian literature history, let us start the question, what is history? मतलब कि जो सुजीत मुखर्जी हैं उन्होंने न्यू मेथोलॉजी मतलब उन्होंने करा था कि उन्होंने फाइंड करी कि कोई हमें ऐसा तरीका मिले लिखने का जिससे हम अपनी इंडियन लिटरेचर को अच्छे से पास ऑन मतलब कर पाएँ, क्योंकि वेस्टर्न के उसमें लिखेंगे तो वो चीज़ अच्छे से हमारे इंडियन लिटरेचर को एलैबोरेट नहीं कर पाएगी। सो दैट्स वाई उन्होंने एक न्यू अप्रोच लिखी। बट बिफोर लाइक हम ये सोच रहे हैं कि बिफोर ये समझने से पहले कि उन्होंने इसे क्यों करा, लेटेस्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ हिस्ट्री, की हिस्ट्री क्या है। द टर्म हिस्ट्री इज़ अ ग्रीक टर्म दैट मीन्स टू नो, ग्रीक टर्म होता है हिस्ट्री मतलब होता है ग्रीक टर्म में उसको बोलते हैं टू नो, हिस्ट्री मतलब टू नो। हिस्ट्री इज बोथ द एक्ट ऑफ इंक्वायरी एंड द रिजल्टिंग नॉलेज फ्रॉम दैट इंक्वायरी, हिस्ट्री दोनों चीज़ें होती है, द बोथ मतलब द एक्ट ऑफ इंक्वायरी भी हिस्ट्री बोलते हैं एंड द रिजल्टिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम दैट इंक्वायरी इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्ट्री। या आप लिख सकते हो, ये पॉइंट है मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे मेन पॉइंट आप अपनी नोटबुक में साथ साथ में बैठ के लिखो तो इससे क्या है ना आपको बाद में जब आपको रिवाइज करना होगा एग्जामिनेशन के टाइम पे तो आपको याद आ जाएगा। तो आपको ये लिख लेना द टर्म हिस्ट्री इज अ ग्रीक टर्म दैट मीन्स टू नो एंड हिस्ट्री बोथ कैन एक्ट बोथ द एक्ट ऑफ इंक्वायरी एंड द रिजल्टिंग नॉलेज ऑफ फ्रॉम दैट इंक्वायरी, मतलब उस इंक्वायरी से हमें क्या रिजल्ट मिला वो भी हिस्ट्री है और इंक्वायरी करना मतलब जो है एक्ट ऑफ इंक्वायरी वो भी हिस्ट्री है। थस हिस्ट्री रिलेट्स टू द अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स अराइव्ड एट बाय मेकिंग इंक्वायरीज, मतलब थस मतलब हिस्ट्री क्या हो गए वो इवेंट्स हो गए जो इंक्वायरी करते करते अराइव्ड होते गए, मतलब जब हम और पीछे जाते गए कि क्या हुआ था क्या हुआ था क्या हुआ था, जो जो चीज़ें हमें मिलती गई वो हिस्ट्री बनती गई, ठीक है। हिस्ट्रीज आर रिकॉर्ड टू इवेंट्स पर्सनैलिटीज हैपनिंग्स एक्सेट्रा, हिस्ट्री क्या होता है रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब कि हिस्ट्री रिकॉर्ड्स मीन्स हिस्ट्री वो चीज़ों का ब्यौरा होती है, रिकॉर्ड को हिंदी में ये कहते होंगे, कुछ इवेंट्स का कुछ पर्सनालिटीज़ का कुछ चीज़ें जो हैपनिंग्स उस टाइम पे हुई हैं, जैसे पास्ट में कितनी चीज़ें हुई हैं वो हिस्ट्री उसको हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कितने इवेंट हुए हैं, जैसे मान लो 2019 का इलेक्शन वो एक हिस्ट्री बन चुका है बट वो एक इवेंट था ना, तो वो हिस्ट्री है। पर्सनालिटीज़ जैसे कि अब APJ अब्दुल कलाम महात्मा गांधी ये पर्सनालिटीज़ हैं वो भी एक हिस्ट्री है, ठीक है। हैपनिंग्स मतलब जैसे पहले कितने आंदोलन होते थे कितना कुछ होता था वो हैपनिंग्स होती थी वो भी एक हिस्ट्री है, ओके जस्ट लाइक दैट। प्रिसीडिंग दिस वेरी मोमेंट एंड एवरीथिंग दैट रियली हैपन अप टू नाउ, ठीक है, जो अभी तक हुई है उन सब चीज़ों को प्रिसीडिंग करना इज कॉल्ड हिस्ट्री। लिटरली हिस्ट्री इज अमंग द यंगेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्रीज, मतलब कि लिटरली हिस्ट्री जो होती है जो हमारे हिस्ट्रीज मतलब हिस्ट्रीज ऑफ हिस्ट्री मतलब ये बहुत ही बच्चों को कंफ्यूज करने वाली लाइन हो गई, मतलब जो इतिहास का भी इतिहास है ना उसमें से जो सबसे यंगेस्ट इतिहास मतलब सबसे यंगेस्ट हिस्ट्री है वो है लिटरल हिस्ट्री मतलब लिटरेचर हिस्ट्री, ये लिखने वाली हिस्ट्री हमारी सबसे यंगेस्ट मतलब सबसे नई इतिहास आया है, क्योंकि पहले किसी को लिखना तो आता नहीं था ना, तो ये सबसे यंगेस्ट है। वी हैव मैनी कैटेगरीज ऑफ हिस्ट्री, हमारे पास बहुत कैटेगरीज है हिस्ट्री की, जैसे हिस्ट्री ऑफ नेशंस, हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स, हिस्ट्री ऑफ वॉर, हिस्ट्री ऑफ रेसेस, हिस्ट्री ऑफ पीपल, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, हिस्ट्री ऑफ एम्पायर्स, हिस्ट्री ऑफ क्लास,
क्लास स्ट्रगल्स, मतलब हिस्ट्री ऑफ साइंस, देर आर एंडलेस नरेटिव्स ऑफ पास्ट इवेंट्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सिविलाइजेशन, कंट्री, पीरियड, पर्सन एक्सेट्रा. ओके, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. बहुत ईजी है कि हमारे पास बहुत सारी हिस्ट्री है. हमारे पास नेशन की हिस्ट्री, हमारे पास रिलीजन्स की हिस्ट्री, हमारे पास वॉर की हिस्ट्री, मतलब यूथ की भी बहुत हिस्ट्री है. हमारे पास एम्पायर्स की बहुत बहुत हिस्ट्री है. हमारे पास फिलोसफीज़ की बहुत हिस्ट्री है. हमारे पास साइंस की भी बहुत ही इतिहास ऐसे है. मतलब हिस्ट्री इज़ लाइक एंडलेस नरेटिव्स हमारे पास हिस्ट्री के, पास्ट इवेंट्स के, विथ पर्टिकुलर सिविलाइजेशन, मतलब एक सिविलाइजेशन की, एक कंट्री की, एक किसी टाइम ऑफ पीरियड की, किसी इंसान की बहुत हिस्ट्रियाँ होती हैं. जैसे हमारी भी कितनी हिस्ट्री रह चुकी है, विच इज़ वी कॉल लाइक पास्ट. हमारा ये पास्ट है ना, ये उसी में बात हो रही. यूजली रिटन एज अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट इन दिस लॉन्ग लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल डिसिप्लिन, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज एंड हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर आर अमंग द लेटेस्ट. ओके, जो हमारे क्रोनोलॉजिकल अगर हम देखें हिस्ट्री हमारी, तो जो हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज है, जो भाषा में लिखी हुई जो हमारी लिटरेचर वाली हिस्ट्री है, ये सबसे यंगेस्ट है, सबसे लेटेस्ट टाइप की आई है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना. इट हैज़ बीन ईजी टू राइट अ ब्रिटिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, अमेरिकन हिस्ट्री. मतलब कि अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये हिस्ट्रियाँ लिखनी बहुत ईजी है. क्यों ईजी है? बिकॉज इट लिटरेचर, बिकॉज दे आर मोनोलिंगुअल. मोनोलिंगुअल मतलब उनकी सिर्फ एक ही भाषा है. और लिटरेचर्स में, मतलब और भाषाओं में लिखना बहुत ईजी, बिकॉज क्यों? क्योंकि उनकी मोनोलिंगुअल लैंग्वेज होती है, विच इज़ लाइक देर इज जस्ट वन लैंग्वेज विच लिटरली वर्क्स हैव बीन रिटन इन दिस डिफरेंट नेशंस. जैसे कि आप देखोगे फ्रेंच लिटरेचर में, वो लोग सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज में लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर बोली ही यही जाती है. ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर वाले अपने इंग्लिश में लिखेंगे. ओके, अमेरिकन लिटरेचर के लोग इंग्लिश में लिखेंगे. वहाँ पे कोई भाषा का चक्कर, जैसे हमारे इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं, यू नो, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी एंड मराठी एंड मैनी मोर लैंग्वेजेस. ठीक है, बंगाली, कश्मीरी एंड बहुत सारी. तो हमारा जो हमारा लाइक है लिटरेचर, जो हमारा हिस्ट्री ड्राइव होती हुई आई है, वो मैनी लैंग्वेजेस में होती हुई आई है. तो हमें समझना पड़ता है कि अब ऐसी कौन सी लैंग्वेज में लिखें जैसे सबको समझ आए और उन चीज़ों को ट्रांसलेट भी करता है. भारत में ऐसा नहीं है ना, वहाँ पे जो फ्रेंच में लिख, जो लाइक फ्रांस के होते हैं वो फ्रेंच में लिखते हैं, स्पेनिश वाले स्पेनिश में लिखेंगे, लाइक स्पेन के लोग अमेरिका के लोग इंग्लिश में करेंगे, रशिया के लोग रशियन लैंग्वेजेस में लिखेंगे. तो उनका बहुत सिंपल रहता है. सो उसी बारे में है. ठीक है, सो विद द लैंग्वेज ऑफ द लैंड इज सिंगल एंड होमोजेनियस. ठीक है, हेयर वी इनकाउंटर द फर्स्ट हर्डल इन राइटिंग अ लिटरी लाइक हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, सिंस वी हैव मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड स्टिल ग्रेटर मल्टीप्लिसिटी ऑफ डायलैक्ट विद इन ईच लैंग्वेज इन इंडिया. द इंडियन लैंग्वेज हैव नेवर रिमेंड एज स्टैंड अलोन लैंग्वेज एंड देयर इज कंसिडरेबल मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज एंड डायलैक्ट दैट हैव कॉन्ट्रीब्यूट टू दियर ग्रोथ एंड एनरिचमेंट. ये वही बात है जो मैंने आपको बताई कि हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेज होती हैं, एक नहीं होती. तो उसी बारे में ये लिखा है. The sibling influence of sister languages and dialects one each other make for a heterogeneous literature. जैसे कि हमें sibling influence, मतलब हम जो भाषा बोलते हैं फिर हमें एक और भी language पता होती है. जैसे अभी अब जैसे हम दिल्ली में हैं, अगर for suppose, तो हम दिल्ली में बोलेंगे, लेकिन हमारी sibling language भी क्या हो जाएगी, जिसका influence हम पे रहेगा वो हो जाएगी थोड़ी पंजाबी, थोड़ी हरियाणवी. ठीक है, कोई गुजरात में है तो उसको सिबलिंग लैंग्वेज क्या हो जाएगी, थोड़ी उसकी मराठी उसको हो जाएगी. मतलब उसको उसके भी कुछ ना कुछ वर्ड पता होंगे कि भाई आजू बाजू की चीज़ें भी हमें पता होती है. ठीक है, उसी में बात हो रही. तो बाय द लाइक बाय वे ऑफ इलस्ट्रेशन, सुजीत मुखर्जी सिटेज द एग्जाम्पल ऑफ टू ग्रेट इंडियन एपिक, द रामायण एंड द महाभारत दैट हैव बीन ओरली कम्पोज इन मैनी इंडियन डायलैक्ट. महाभारत दैट हैव बीन ओरली कम्पोज इन मैनी इंडियन डायलैक्ट एंड रिटन इन ऑलमोस्ट ऑल इंडियन लैंग्वेज विच चेंजेस द एम्बेलिशमेंट ऑफ ओरिजिनल स्टोरी. ठीक है, जो जो रामायण और महाभारत है वो, मतलब जब हम अपनी लैंग्वेजेस में लिखते हैं तो बहुत चेंज होती है. जैसे कि और फिर वो अपनी अपनी ओरिजिनल स्टोरीज से, मतलब वो ओरिजिनल स्टोरी पे सिर्फ कोर पार्ट रह जाता है, बाकी चीज़ें बहुत बदल जाती है. जैसे कि अभी जैसे आप रामायण पढ़ोगे तो काफ़ी डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग तरीके से लिखी गई है, तो उसमें उन्होंने अपने अपने वे में उसको बताया है. सो इट्स सिंपली लाइक कि जो ओरिजिनल स्टोरी होती है ना वो बहुत चेंज हो जाती है. बस मतलब ओरिजिनल स्टोरी का सिर्फ कोर पार्ट रह जाता है. द टू एपिक हैव बीन रेंडर्ड इन अ वेराइटी ऑफ वर्जन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. दे ऑफर अ ग्लिम्स ऑफ मल्टीकल्चर कॉम्प्लेक्सिटी दैट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ हायर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी इन इंडिया. लिटरली राइट, द रामायण नरेटिव हैज हैड मैनी टाइप ऑफ रिटेलिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री. जैसे मैंने अभी आपको बताया रामायण जो है वो बहुत, उसकी रिटेलिंग्स मतलब बहुत पार्ट है उसके, जैसे कि डिफरेंट
कंट्रीज में, जैसे कि कश्मीर में कश्मीरी रामायण अलग होती है, तमिल के रामायण अलग होती है, मलयालम की अलग होती है, तेलुगु की अलग होती है, आसमीज की अलग होती है, बंगाल की अलग है, मैथिली लैंग्वेज में अलग लिखी है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने राम अवतार लिखा है विच इज़ अ डिफरेंट वन, बट मेन कॉन्सेप्ट उनका वही है, बट उसी चीज़ को उन्होंने अपने अपने वे में डिस्क्राइब करें, ठीक है। हैज़ अ न्यू क्लासिक टेक्सचर ऑफ ब्रज भाषा एंड इट्स मिक्स विथ पर्शियन। जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने रामावतार लिखी है वो एक न्यू क्लासिकल टेक्सचर में लिखी है, जो कि ब्रज भाषा और पर्शियन लैंग्वेज में मिक्स करके लिखी है। पंजाबी एंड हिंदी टू मेक रेखता द प्री सिक्योर ऑफ मॉडर्न उर्दू। वी हैव जैन एंड बुद्धिस्ट वर्जन ऑफ टू एपिक्स ऑल्सो नेपाली एंड मिजो, ठीक है। हमारे पास इसके जैन एंड बुद्धिस्ट वर्जन भी है हमारी रामायण के। द सस्टेनिंग फोर्स ऑफ रामायण कैन बी सीन इन वन टेक्स्ट विथ मल्टीपल रेंडरिंग्स इन न्यूमरस लैंग्वेजेस हैपनिंग थ्रू डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। दिस डेवलपमेंट्स आर नॉट क्रोनोलॉजिकल बट हैव ऑकर्ड एट डिफरेंट टाइम्स विच मेक इट डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ इन लिटरेरी हिस्ट्री एज अ लाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एज अ स्टोन एंड एज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मीन्स ये चीज़ क्रोनोलॉजिकली नहीं लिखी गई कि एग्जैक्टली कि पहले ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसे नहीं लिखा। इसी वजह से ये कभी कभी इस चीज़ को लाइक डिफरेंट लाइक इस चीज़ को एक्यूरेटली जानना मुश्किल हो जाता है कि वो बिगिनिंग से एंड तक वैसी ही थी कि नहीं। बीच में कुछ कुछ चीज़ें होता है ना कि आप होता है ना सुने सुने बातें थोड़ी अलग हो जाती हैं जो रियलिटी थी उससे, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। सेम वही बारे में बताया गया। दैट्स वाई सुजीत मुखर्जी मिथोलॉजी को ढूंढ रहे थे एक ऐसी कि हम अपनी भाषा को अपनी लिटरेचर को अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर पाए। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, व्हाट मेक्स द इंडियन लिटरेचर ट्रेडिशन यूनिक इज़ दैट इट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्ट्रेंज एंड इट इज़ नॉट ईजी एंड डिसाइबल टू स्ट्रेट जैकेट ऑल लिटरली राइटिंग्स इन इंडियन अंडर अ सिंगल लिटरेरी ट्रेडिशन मूविंग स्ट्रेट एंड स्टडी थ्रू टाइम फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। मतलब हमारे इसमें यह क्या है कि हमारे पास इतनी चीज़ें ना, इतना ब्रॉड हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेजेज इंडिया की, कि ये ईजी नहीं है कि हम अपनी बात को सीधी सीधी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में जैसे वो पास्ट में थी वैसे उसको प्रेजेंट में लिया है एज अ हिस्ट्री बना के, ऐसा नहीं हो सकता। उसी बारे में लिखा ये। फर्दर इट इज़ डिफिकल्ट टास्क टू राइट अ कॉम्प्रेसिव एंड क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर ट्रेडिशन बिकॉज देवर वन सिंगल मेजर लैंग्वेज इन इंडिया लाइक इंग्लिश इन ब्रिटेन, फ्रांस फ्रेंच इन फ्रांस, जर्मन इन जर्मनी। तो यही लिखा है कि इसलिए ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है कि हम अपनी हिस्ट्री को एकदम क्रोनोलॉजिकल वे, मतलब कि एकदम लाइन टू लाइन कि पहले ये हुआ, पहले हुआ, ये हुआ, इस वे में लाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि हमारे पास कोई एक लैंग्वेज नहीं है जैसे कि इंग्लिश, जैसे ब्रिटेन के पास इंग्लिश है, फ्रांस के पास फ्रेंच है, जर्मनी के पास जर्मन है, हमारे पास ऐसे कोई एक लैंग्वेज नहीं है, हमारी बहुत सारी है। इन इंडिया डिफरेंट लैंग्वेज डेवलप्ड अ डिफरेंट पीरियड एंड इट मेक्स अपील द टास्क टू अटेम्प्ट अ क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ पीरियड वाइज हिस्टोरिकल नैरेटिव्स ऑफ इंडियन लिटरेचर। हमारे पास डिफरेंट टाइम पे टाइम ऑफ पीरियड मतलब एक अलग समय पे अलग भाषा थी, तो इसलिए हमें वो समझना मुश्किल हो जाता है। ये सिंपल वो लिखा है, ठीक है, पूरे में वही लिखा है। तो सुजीत मुखर्जी रैशनल बिहाइंड फॉर्मुलेटिंग अ न्यू मेथोलॉजी इज़ फाउंडेड ऑन द फैक्ट दैट इंडिया हैज़ मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड मल्टीपल लिटरल ट्रेडिशन विच कैन नॉट बी सक्सेसफुली रिप्रेजेंटेड बाय वन हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंट्रोडक्शन टू एंथोलॉजी कल्चर डाइवर्सिटी लिंग्विस्टिक प्लुरैलिटी एंड लिटरल ट्रेडिशन इन इंडिया। समझ गए आप, इसका मतलब है तभी सुजीत मुखर्जी ने मेथोलॉजी लाई क्योंकि हमारे पास एक भाषा नहीं है और हम उसी वे में अपने ट्रेडिशन को नहीं ला सकते, इसलिए उन्होंने ये लिटरेचर ये मेथोलॉजी को लेके आए, हमें इंट्रोडक्शन हमारे हमसे इंट्रोड्यूस कराई ये मेथोलॉजी विच इज़ लाइक कल्चर डाइवर्सिटी लिंग्विस्टिक प्लूरलिटी एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस इन इंडिया। So this is why Sujit Mukherjee seeks an appropriate critical approach that would reflect the unity in diversity and diversity in unity. Okay? Sujit Mukherjee ने इसलिए ये appropriate approach दिखाई, critical approach दिखाई, जिससे हमारा जो unity in diversity and diversity in unity हो जाए, मतलब एकता में ही हमें diversity मिले और diversity में ही हमारी एकता हो जाए। Characteristics of Indian literary tradition, the essay preposition seeks an overview of the indigenous context of a different kind of literary history. आपको कुछ ना समझ में आए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत इजी वे में इसको आपके लिए डिस्क्राइब कर दिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इसका पुनः एनालिसिस कि जो भी ऊपर था उसी बारे में पूरा है ये। सुजीत मुखर्जी स्टार्ट्स विद एन इलस्ट्रेशन फ्रॉम क्लासिकल संस्कृत ड्रामा टू शो हाउ वन लैंग्वेज डेवलप मल्टीपल कंपोनेंट्स। उन्होंने ऐसे कैसे इसको इलस्ट्रेट करना स्टार्ट किया था क्लासिकल संस्कृत ड्रामा से कि कैसे एक लैंग्वेज डेवलप करती है मल्टीपल कंपोनेंट्स को, ठीक है। एंड देन उन्होंने इसको कैरी फॉरवर्ड करके इंडो आर्यन लैंग्वेज में डिस्क्राइब करा रिफाइंड स्पीच में। एंड थर्ड संस्कृत क्लासिकल ड्रामा उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज से डिस्क्राइब करके इंग्लिश में लेके आए
उन्होंने मेन इंग्लिश को ये मेथोलॉजी में रखा कि उस लैंग्वेज में हम इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। सो इट डेरिवेटिव ऑफ संस्कृत इज प्राकृतिक विच मीन्स ओरिजिनल। संस्कृत मतलब होता है प्राकृतिक, ओरिजिनल, नेचुरल, ऑर्डिनरी, एंड देयर फोर प्राकृतिक वॉज नेचुरल लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। यानी प्रकृति मतलब प्रकृति मतलब नेचुरल ओरिजिनल लैंग्वेज यही होनी चाहिए हमारी। इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू राइट हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर टिल द 12th century एज देर वॉज ओनली वन मेजर लैंग्वेज एट दैट टाइम, दैट वॉज संस्कृति। मैंने आपको फर्स्ट में ही पढ़ा दिया था, ये आपको याद रखना है। ये पॉइंट बहुत ईजी है और आप इसे याद करके लिख भी दोगे ना आंसर शीट में, इतना इतना इम्पैक्टफुल लगेगा आपका आंसर कि क्या 12th century तक एक ही भाषा में लिखते थे, क्योंकि हमारी डोमिनेंट लैंग्वेज कौन सी थी, संस्कृत थी, तो हम उसे भी लिखते थे। फिर 12th to 20 हमारी थोड़ी कोई सिंगल डोमिनेंट लैंग्वेज नहीं रही, प्री डोमिनेंट लैंग्वेज कोई रही नहीं, कोई आइडेंटिफाई नहीं हो पाई। फिर उसके बाद जाके सुजीत मुखर्जी गिव द एग्जाम्पल ऑफ तुलसीदास हु हैज़ टू बी सीन नॉट जस्ट हिंदी पोइट बट एज वन ऑफ द बिलोंग टू द मेडिवल पीरियड, जिन्होंने भक्ति मोमेंट भी लाए थे, ठीक है, जो हमारा आगे आने में चैप्टर होगा, ठीक है। तो हमारी हिंदी और इंग्लिश को उन्होंने एक न्यू मिथोलॉजी में लेके आया ताकि लोगों को ये लैंग्वेज अच्छे से समझ में आए। अभी जैसे आज इंग्लिश लैंग्वेज हर कोई समझ लेता है और हिंदी समझ, जो इंग्लिश नहीं समझता वो हिंदी समझ लेता है और जो हिंदी नहीं समझता वो इंग्लिश समझ लेता है। दीज टू लैंग्वेज एज इज आर प्राइमरी लैंग्वेजेस, ठीक है ना। सो तुलसीदास इज जर्नली रिगार्डेड एज अ ग्रेट पोइट, फिर उन्होंने उसके बारे में डिस्क्राइब करें, जो हम अभी आगे अपने चैप्टर में अपने भक्ति मोमेंट पर पढ़ेंगे कौन थे वो। इट इज़ टू बी रिमेंबर दैट इंडियन लिटरेचर इज़ नॉट टू बी सीन एज अ वर्टिकल ग्रुप ऑफ वन लैंग्वेज फ्रॉम एशियन टाइम्स टू मॉडर्न टाइम्स। हम ये देख सकते हैं कि इंडियन लिटरेचर कोई एक लैंग्वेज का ग्रोथ नहीं था कभी भी। पहले संस्कृत रही थी, बीच में कोई और लैंग्वेज आई, बीच में कुछ और आई, अभी हिंदी और इंग्लिश आ गई है। तो ऐसे ये नहीं कह सकते कि जैसे फ्रांस में सिर्फ फ्रांस का ही था, ब्रिटेन में सिर्फ इंग्लिश का था, इंडिया में भी ऐसे था, ऐसा नहीं था, ओके। ऐसे नो अभी भक्ति मोमेंट के बारे में आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहो। सो अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर कैन नॉट इग्नोर मेडिवल इस्लामिक लिटरेचर ऑफ द इंडस रीजन, ठीक है। ये सब बारे में आगे हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ये ऑलरेडी बहुत लंबा चैप्टर हो गया, सिंपल इसमें यही भाषा का था जो मैंने आपको मेन मेन ओवरव्यू दे दिया। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, इस चैप्टर की भी और इस पूरे सब्जेक्ट की भी, ऑल ओवर एवरी यूनिट के। तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहना, सीधा मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर पढ़ लेंगे। इसके सॉल्व क्वेश्चन पेपर मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, तो वो जाके मेक श्योर आप देख लो। सो ये हमारा पूरा चैप्टर था, दैट्स इट, इसमें पूरा यही लिखा था अबाउट लैंग्वेज, उनकी मेथोलॉजी क्या थी, ये सब, ठीक है। रामायण में कितनी भाषाओं में लिखी, महाभारत की भी कितनी वो है, सो इसका समअप क्या हो जाएगा। सुजीत मुखर्जी मेक्स अ केस फॉर फाइंडिंग अ न्यू मेथोलॉजी टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। इंडियन इज अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी एंड लिटरेचर डेवलपमेंट इन मैनी लैंग्वेजेस हैव टेकन प्लेस फ्रॉम द एशियन टाइम टू मॉडर्न टाइम्स थ्रू द मेडिवल ईयर्स। अ लिटरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन हैज़ टू डील विद ऑल दीज मल्टीलिंगुअल डेवलपमेंट्स, ओके। ये पॉइंट्स आप अच्छे से लिख लो, पता है अगर आप ये पॉइंट पॉइंट याद कर लोगे ना, उसके बाद आप पूरी स्टोरी बना सकते हो। तो ये दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे लेसन अप में आते हैं, आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो, पूरा आपको कंक्लूजन मिल जाएगा चैप्टर का क्या था ये, और बहुत ईजी रहता है अगर आप ये पॉइंट्स याद रख लोगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसी में डिस्क्राइब करके आपको बना देना है, इतना तो सेंस अभी आप बना सकते हो, है ना। मेनली अपने मेन मेन पॉइंट्स को याद रखना इम्पैक्टफुल। जैसे सुजीत मुखर्जी कब बॉर्न हुए थे मैंने आपको फर्स्ट में समझाया था, आपको याद होगा, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको याद कराया था, विच इज़ लाइक 1930 में बॉर्न हुए एंड डेड हुए 2003 में, ठीक है। कैसे 30 मीन्स थे 30 में बॉर्न हुए, उसी को उल्टा कर दो 03 में डेड हुए, सिंपल है ना। कितना सिंपल है, ईजी भी था, अगर आप ये लिखोगे तो इम्पैक्टफुल भी लगेगा, आपको याद भी हो गया, अब आप भूल भी नहीं पाओगे, है ना। सिंपल आपको ये तो याद भी कर लेना है, ठीक है। द अंडरलाइंग पॉइंट ऑफ दिस एसे इज नॉट राइट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर विद द ट्विन फोकस ऑफ यूनिटी ऑफ हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिटरेचर। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। सो आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा ना, ये यूनिट एंड के क्वेश्चन है, अगर आपको सॉल्व हो सकते हैं तो आप मुझे करके बताओ, ओके। यू कैन कमेंट में कि यस आपने सॉल्व कर लिया, आपको पता चलिए, और अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको जल्दी से जल्दी इसका क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगी। वीडियो कैसे लगी जरूर बताना। दैट इज फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।